नमस्कार, आम स्वतंत्र स्वास्थ्यभित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करछि मोनिमा। दर्शक बंधु, शरीर अच्छी माने रोग भी सुनिश्चित, आदि रोग अच्छी तार प्रतिकार अच्छी, हेले से रोग को सठिक समय चिन्ह सचेतन होगा जरूरी। आउ खास से आपण को जेकोसी रोग सम्बन्ध में सचेतन कराइबापी आमर यह स्वास्थ्यभित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन। अनेक समय आमको रात्रि ठीक से निद हुए आउ रातिर निद नवा सहित आम सका भी शीघ्र उठी जाती, एटा एक साधारण कथे। किंतु जदि एमती 4 सप्ताह अधिक दिन जाए राति निद न हुए कि आमको निद्र असुविधा हुए तो निद्रहीनतार भी आशंका रही है। निद्रहीनतार कारण और यार उपचार को नहीं आज आम अधिक आलोचना करवा। आम सहित रही मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रशांत कुमार महापात्र। सर, स्वागत करम कार्यक्रम को। नमस्कार सर। ए आमे लाइफस्टाइल आमर चेंज होउछि आउ अधिकांश लोक आमे सुनिया पाउ जे निद होउनी रात्रि ठीक से, सेटा एक्चुअली गोटे गुरुतर समस्या सेटा। काहीं कि आपणकर जो निद होउनी ता पछरे भी कारण रहिछि। आपण प्रथम देखिया पड़िबो जे आपणकर जो बेडरूम अछि सोइबा घर अछि सेतेरे टीवी देखुछन्दि कि सोइबा गला ओळकु कि लैपटॉप अच्छी व्यवहार कर मोबाइल व्यवहार कर प्रायत सब मोबाइल व्यवहार कर मोबाइल व्यवहार कले आप निद निश्चय डेरी रहा डेरी रहा डेरी भांग से आम निद्राहीनता आम निजे इनभाइट करुचे मैंने व्यस्तबहुल जीवन ही आमको निद्राहीनता आड़ को टाणी दूसरी सर। आम कह मैडम सर यहाँ मैंने अधिकांश टाइम देखु मोबाइल फोन एबे आगर तो तार व्यवहार नथिला एबे अधिक व्यवहार होउछि सेटा ही मुख्य कारण गोटे जे राति हो राति विलंबित राति जे आमे मोबाइल रे काम करूछंती ऑफिशियली काम हो कि लैपटॉप रे काम करूछंती सेथि पई आमे निदरे प्रभाव पकोउछि कि सेटा निश्चय प्रभाव पकोउछि काईना आपण जेतलो सोया पिन जाउछंती आज्ञा आपण सेठि आ किछि रहया उचित न ना मोबाइल ना लैपटॉप ना टीवी कोनसी आ सेटा हला माने आपणकर निश्चय डेरी रे निदो। मैंने आम तो शोवाक जाऊँ घर लाइट ऑफ करवा मोबाइल ऑफ करवा लैपटॉप ऑफ करवा जादटा भलसे आसवा निद हवाक आपणकर अंधकार हवा दरकार नॉइज फ्री आपणकर डिस्टर्बेंस हवा उचित नुह बिछणा भी ठीक हवा दरकार पूर्व आप निकोटिन केफिन किसी नेशा द्रव्य ने मद पीबे ना हालुका भाव खाइबे ताहले जाके आपण निद ठीक से हो। सर, आम अधिकांश टाइम देखीछू जो मानको निद न हुए से माने निशा सेवन करती सिगरेट हो कि मद हो से माने भावंती जे एटा पी देबी कि निद तो होउनी काले निद होई जीवो सेमिति बे बहुत लोकंकर धारणा सेथिरे निद सेथिरे निद आसेनी किंतु ता फळरे कोन हुए कि किछि दिन परे सेही अभ्यास करले से अभ्यासटा पूरा एडिक्शन रे परिणत होई जाय। सर, जणे सुस्थ रोगी आउ जणे मन कोन तो मानसिक रोगी जो मानन को निद होउनी मन कोन तो सर मो कथा कहू जदी मते कंटीन्यूअस 4 कि 5 दिन के सप्ताह रे 3-4 दिन मते निद होउना है कि लेट नाइट रे सोउ छी आ जल्दी उठि जाउ छी एटा हमर केते दिन कंटिन्यू करबो आउ मते ला माने मु डॉक्टर को परामर्श करबे केबे जाई कि जे मते लागु छी जे मु हम मते एटा रोग हे गेलानी आपण जदी सप्ताह हैला ताले सेटा को ओटे ट्रांजिएंट इनसोम्निया कोंदी सेटा यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग आपण अभ्यास परिणत परिवर्तन करले ताले आपणकर सेटा प्राय ठीक है जाए जदि से 1 मंथ परसिस्ट कला कि 1 मंथ रु अधिक है आप डाक्टर को परामर्श निहाती दरकार। अच्छा सर, निद जो न होमको आम कम शोचु जल्दी उठी जाऊ देखा जाऊँ सर ताद्वारा भी आम विभिन्न रोग भी आमको माड़ बस निश्चय सेटारे कौन आप डायबिटीज हम हाइपरटेंशन हम तापर ओबेसिटी भी हुए एडिक्शन प्रॉब्लम हुए। आज्ञा 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 सर, देखा जाए जो मानको सुगर अधिक रोची कि हाई ब्लड प्रेशर रोची से मानन क्षेत्र रे निद सर कम हे थाए अधिकांश टाइम देखा जाउ छीटा। हां, सेटा आपनकर जते केतोडा फिजिकल इलनेस अछि लाइक डायबिटीज हाइपरटेंशन आजमा क्रॉनिक पेन कैंसर एगुडा कर कि आर्थराइटिस एगुडा कर आपनकर यूजुअली निद बहुत कम हुए आपनकर से रोगडा का चिकित्सा कला परे जदि निद न होउची ताले मानसिक रोग विशेष देखा कथा कि सहित से रोग गुड़ाक चिकित्सा भी निहाती दरकार। आज्ञा आज्ञा सर, एटा गोटे रोग कि माने आमको लेट नाइट रे सोइबी सकाळु लेट रे उठिबी कि जल्दी उठिबा एटा गोटे आमे रोग कहि परबा कि एटा को निहाती गोटे ताकु रोग कहि परबा जदि
तार अलग कौन से असुविधा ना मानसिक रोग कि शारीरिक असुविधा ना असुविधा ना आम प्राइमरी इनसोमनिया कह सर एबे गोटे लाइफस्टाइल चेंज हो कंपिटिशन अधिक बढ़ुची जो मैंने कि मुझे कामटा करुँ यार फल कौन हम रेजल्ट कौन हम ताकू नहीं भी लोक बहुत मानसिक चिंतार रोचान मुझे सर जाऊँ मन करते आपंट कौन करी कौन हम आगे नहीं कि भय गोटे मन भितर रोचे मोर ठीक हम कि ना से जिनसटा चाप जो रोचे लोकों भितर से गोटे निद्राहीनतार कारण देखा निश्चय निश्चय हाइली एम्बिशियस लोक निद भी हुए हाइली आप जदि गोटे कौन प्रकार स्ट्रेस है से स्ट्रेस आपणकर जदि पर निजर लोक किए लोकर मृत्यु घटना मृत्यु है कि आपणकर जॉब पलैला कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है से आपणकर मानसिक चाप बढ़ी जाए थे मानसिक चाप बढ़ीगला आपणकर निद हुए सर यार प्राइमरी ट्रीटमेंट आम कौन देखा मानते निद हो प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको प्रथम देखा पड़ो को कारण होनी जेको डाक्तर पाक जी सी आपण को कारणटा कौन देखा पड़ो प्रथम देखा पड़ो मानसिक रोग तार अच्छी ना जदि मानसिक रोग ना तो तार कौन फिजिकाल रोग अच्छे ना जो गुटा कहल डायबिटीज हाइपरटेंशन सब अच्छी तार सब देखा पड़ो जदि से आपसी स्ट्रेस अच्छी कि निश्चय स्ट्रेस थी जदि स्ट्रेस थी से अनुसार चिकित्सा करा पड़ो फिजिकाल इलनेस है से अनुसार चिकित्सा करा पड़ो आदि साइकाट्रिक इलनेस है मानसिक रोग सर ये रोग शिकार हूँ दूरी तीन दिन कि चार दिन तक निद होनी से मैंने प्राय मेडिसिन स्टोर जाए कि मेडिसिन साधारण कह निद बटिका गोटे खाई निद हो आद करा उचित नुह कारण से कले आप मन इच्छा औषध खाइले ओवर द काउंटर मेडिसिन आप आने तापर किसी दिन पर आपको भल लगे प्रथम प्रथम खाला लैटरन से आडिक्शन हो अच्छा तेल आप समस्या देखा जाए डाक्तर परामर्श करूँ परामर्श ही मेडिसिन खातु निरकार परामर्श निहाती दरकार कहीं कौ जिनपाई कि कौ ओष दवा दरकार आषध देलापर ताको केमी कमे बंद करेंगे ता मान नुह सी तार वर्ष वर्ष धरी खाई चलो कारण मेडिसिन खावे द्वारा सर शरीर पर भी प्रभाव पकाउची निश्चय प्रभाव पड़े एडिक्शन है मान निश्चय प्रभाव पकड़ ताले माने प्रॉपर डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर अनुसार ही मेडिसिन खावा कथा निहाती निहाती सर एबे आ गोटे कोरोना जेबेठु आसिरानी लोकों मधे से जिनसटा भी अधिक आस जाउची जे कोरोना पर मेडिसिन खाउचंती केले मेंटली भी से माने प्रेशर रे रहउचंती मेंटली बहुत प्रेशर रे रहिले अमर सेत पई कि बहुत काउंसलिंग हैला काउंसलिंग काई केला ना तांकर मन भितर भय हैला भय हैला कोन मु बर्तमान मोर कोरोना हैला मु मोर ता पर कॉम्प्लिकेशंस कोन होबो परिवार आउ काकु कोरोना हम कि ना ना जदि है फिर कुआडे जिबे कोठी चिकित्सा हे कोठी एडमिशन ने जदि दरकार तापर केते खर्च हम तार आउटकम कौन से फेर पर काम करना ना रोजगार करना ना से लोकंर मनरे बहुत भय छानिया सृष्टि अच्छा ता द्वारा भी सब मानते निद्राहीनतार शिकार भी लोक होती कोरोना प्रथम जिनस है निद्राहीनता प्रथम निदा हेनी तापर भोक हेनी सर एटा पोस्ट कोविड रे बेसी देखिबा को मिलुछि पोस्ट कोविड रे माने लोक भी एमती के सिचुएशन आछि जे माने कि माने किछि केतर देखु जे लोक सुसाइड करे आपे पळे आछंती एमती के सिचुएशन भी देखा देउछि हां हां दे से दिन सब भी हेछि तापर सुनिया लोक भी आज्ञा ताकु कोविड हेछि तांका परिवार लोक होला सुनिया लोकंकर भी बहुत भय छानिया निद न बाटा हेछि माने सुनी के भी से माने भय कर जाउछंती ज्यादा रे के से माने मेंटली प्रेशर रे रहउछंती सर आ गोटे कथा होछि खाइबा पिबार भी हमहु बहुत चेंजेस दरकार खाइबा पिबा आपण यूजुअली राती रे आपणकर सोइबा पूर्वरु हालुका खाइबा दरकार दि घंटा पूर्वरु खाइबा दरकार माने सर बेड को जेतेले जिबु दि घंटा पूर्वरु खाइबा दरकार तापरे निकोटिन कैफिन चा कॉफी पिबा उचित नो आ मद्यपान आदो करिया उचित नो ए सब कले सर निकोटिन की कॉफी आपण जेमते कहउचंती ए सब जे निसा द्रव्य नेले कि चा कॉफी पीले माने निदर समस्या ही देखा जिवो नियाति नियाति सर आ गोटे आमे देखिछु जे जेते पोस्ट कोविड परे लोक बहुत जना मेडिसिन खांदी माने कुहा जे से मेडिसिन द्वारा ही मेडिसिन खाइबा द्वारा ही तांको निद कमी जाए सेमती किछि सर ना ना सेमती किछि नाही सेमती कोनोसी कोविड रो एमदी स्पेसिफिक मेडिसिन नाही जो थरे कि आपण त औषध खाइले कोविड पई कि और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन खाइले निद कमी जियो अच्छा से मानकर जाय कि मन इच्छा औषध खाउथिबे निश्चय अच्छा सर आउडे एंजाइटी पी हमर माने तार सेटा देखा देले ही निद्राहीनता रो कारण सेटा भी एंजाइटी यूजुअली एंजाइटी डिसऑर्डर से निद हुए नी आज्ञा लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर
लाइक पैनिक डिजॉर्डर पैनिक अटैक्स एगुडा करे निद होइनि हाई ब्लड प्रेशर भी सर कह जाउ छी ता ता द्वारा हाई ब्लड प्रेशर हुए एंड हाई ब्लड प्रेशर रे भी निद होइनि एटा विशेष साइकिल सर एटा हेरिडिटरी की जे वंशगत रोग की माने निद न होबाटा निद्राहीनता जदी अलगा कोनोसी कारण नाई जदी प्राइमरी इनसोम्निया हला ताले प्रायतः हेरिडिटरी जदी वंशरे कार थिबो आपण भी निद इनसोम्निया भी हुए निद हुएनि सर प्राय लोक देखु जे माने लेट रे सोउछन्ती सकाळ उठला को तांकर मुंडो बिंधा स्टार्ट हे जाय जे कोन जारे मुंडो बिंधुची रात्रि जेतु ठीक से सोई पालेनी मुंडो बिंधा स्टार्ट माने देखा दउची जदि आप ठीक से निद नहला आपणकर डेरी निद हला कि आपणकर 6 घंटा रु 8 घंटा सोया कथा जदि आप 6 घंटा निद कम हला कि निद भांगिला तापर निद हलानी कि शीघ्र उठी पड़ले तापर दिन आपणको बहुत अस्तव्यस्त लागिवो आपणकर कोनोसी काम रे अटेंशन रहिबोनी कंसंट्रेशन रहिबोनी कन्फ्यूजन हबो दरकार पड़ला मेमोरी लॉस रहिबो ड्राउजीनेस रहिबो आपणको निदवा निदवा लागिवो चिटचिटापन रहिबो ए सब जिनिस हुए सर अधिक आलोचना करबे जने कॉलर आम सहित जोड़ी होती हेलो हेलो आज्ञा सुशांत बाबू कहूँ आज्ञा मो दिल्ली रू सुशांत कुमार साहू कहती मु एक्चुअली ओडिसा रे रुहे आज्ञा 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 सुशांत सर मु नमस्कार आ आपन आर्गस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल परिवार बहुत प्रॉफिट मिलु छी मतलब हमें चैनल जो माध्यम रे बहुत लोग बहुत प्रॉफिट मिलु छी क्वेश्चन रही है सार को पचारि परबे सार सहित अपन डायरेक्ट कथा हे परबे निद्राहीनता को नहीं कोनो से अछि के अपन को प्रश्न हेलो हां कोन तो सुधान बाबा सुनि परछु अपन को आज्ञा मु कहय चाहे जे हमरो एक्चुअली हम फादर एपिलेप्सी मानसिक रोग रे के सप्तम अछि हमरो जो कि तंत्र प्रॉब्लम ये कि एएफटी की जे हमें एक्चुअली देखो जो हमें सुजीत साहू डॉक्टर साहू देखो अपन को वॉइस टिके ठीक से सुना जाउनी आउ थरे कहबे कि अपन को प्रश्न जदि आपण चिकित्सा करछन्नी मानसिक रोग विशेषज्ञ पाखरे मते लागुची तांकर चिकित्सा ठीक से होउनी काहेकि होउनी जे जदि चिकित्सा हुए एसो जिनस कमी जिया कथा जदि कमुनी ताले आपणकर तांकु देखैकि आउ थरे डायग्नोसिस ताकु रिव्यू करिया दरकार एवं जो मेडिसिन्स दैछन्ती ताकु एडजस्ट करिया दरकार सर से जो उसी कहले जे 70 वर्ष हलानी सर अधिक वयस वृद्धि जो को ए सब जिंस देखा जाउ चिटचिडापन होबा काहु गाली गुलोच करबा किछ मन न रहिबा हां ओल्ड एज रे बहुत बडा प्रॉब्लम अछि जोडा कि आपनकर एडल्ट रो हुए तातो किछ रोग ओल्ड एज रे हुए किन कथा हो जो ओल्ड एज रे बाकी गुडा कोमोरबिडिटीज गुडा थाए लाइक डायबिटीज हाइपरटेंशन थिबो थाए यूजुअली सो सेट पे कि आपन केयरफुली मेडिसिंस दवा पड़े द्वितीय जिंस हला तृतीय जिंस हला सेमानकर डोज गोटा बहुत कम रहे डोज कम रखा पड़े कम रु आरंभ हुए एवं स्लोली टाइट्रेट करा जाए स्लोली बढ़िया बढ़ा जाए सर मेमोरी लॉस टा भी गोटे बड़ कथा देखा निद्राहीनता गोटे अपने तो निद नो हूँ ची मैंने मेमोरी लॉस टा नहीं पड़े नहीं किसी कोनो से जिनसा जदि निद्राहीनता मेमोरी लॉस हुए तो ट्रांजिएंट परमानेंट नहीं सर किछि दिन परे हमें कोच जति माने ए समस्या भी सुधरि जइबो ताले माने हमर स्मृति शक्ति भी ठीक से रहिबो स्मृति शक्ति ठीक आसी जइबो के तो अच्छी गोटे रोग हमरंगर ओल्ड एज रे हुए छेटा को डिमेंशिया कहंती जोटा यूजुअली मेमोरी लॉस सेटा रे जदि आपनकर निद न होला ताले आपन परमानेंटली भाबिबे किंतु छेटा वयस हला परे वयस हला परे आज्ञा सर एमति केते 50 60 के 60 70 एमति किछि वयस सीमा अछि के तारो 65 वर्ष आज्ञा 65 वर्ष पर सब लक्षण देखा जाए कि सर आम प्राय कहु सर मोटापा लोक जो मैंने अधिक अच्छा से निद न होगा अधिक रोग माड़ बस जिनस भी एवं होती जहाँद्वारा कि जंक फुड एवं समस्त लाइफस्टाइल चेंज हो खावा भी परिवर्तन ओबेसिटी एक्चुअली आपर कौन हो निद ठीक से हेनी कहीं आपणकर फैट टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करे आपणकर जो मोटापन अच्छी तादर डायबिटीज हाइपरटेंशन हुए डायबिटीज हाइपरटेंशन पर आपणकर स्नोरिंग बहुत हुए घुंगुड़ी तेणु सेटा को आपणकर निद बहुत कम हुए
ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ତାପରେ ନିଦ ହୁଏନି। ସାର୍ ଯିଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବ ତାକୁ ବି ନିଦ କମ୍ ହବ, ତା ପାଖରେ ଶୋଉଥିବା ଲୋକ ବି କମ୍ ନିଦ ହବ। ସାର୍ ଖାଇବାର ପିଇବାର ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଦରକାର। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯଦି ଆମେ କୁହାଯାଉ ଯେ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ସକାଳୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କି ରାତିରେ ଭଲସେ ନିଦ ହବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଇଭିନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫର୍ ମିନିମମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଠିକ୍ସେ ହବ। ମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ହିଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ମାନେ ସେତେ ହିଁ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେହରେ ପଡ଼ିବା, ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ରାତିରେ ନିଦ ଭଲସେ ହବ, ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏସବୁ କିଛି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହୁଏନି ୟୁଜୁଆଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ 16-17 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି, ଆସ୍ତେ 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 ସେଇଟା ଆଡଲ୍ଟ ବେଳୁ କମେ, 6-8 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ, ତାପରେ ଫେର ଏଗେନ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ବଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନିଦାହୀନଟା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି। ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଶୋଇବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜୀବନ ବିତାଇବୁ? ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର 1/3 ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସର୍ଟ ସ୍ଲିପର 6 ଆୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜୁଆଲି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି 6-8 ଆୱାର୍ସ। ସାର୍, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଲାଗ୍ ହୁଏ, କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେ, ଆମେରିକା ଯିବେ କି ଲଣ୍ଡନ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଲାଗ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେଇଟା ସେମାନେ ଦିନବେଳା ଶୋଇପାରିକି ତାକୁ ଦିନବେଳା ଶୋଇଲେ କି ନିଦ ହେବନି? ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଦିନବେଳା ଏଠି ତ ଶୋଇବେ, ଶୋଇଲା ପରେ ନିଦ ହୁଏନି, ସେ ଜେଟ୍ ଲାଗ୍, ତାଙ୍କର ଫେର ତାଙ୍କ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଆସେ ଆଉ ସବୁ ନିଦ ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଅନିଲ ବାବୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିଭି ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପୁରା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ କିଛି ବି ଶୁଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, 65 ଏ ସାର୍ ଅନିଲ ଯାଜପୁରରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି ଠିକ୍ସେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ନିଦ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଆଜମା କିଛି ନାହିଁ ତ? ସାର୍, ଫୋନ୍ଟି ବୋଧେ କଟିଯାଇଛି ସାର୍। ସେଇ ମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନିଦର ସମସ୍ୟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏହାର ଏହା ହେଇଛି ତାକୁ ଏଇ ଔଷଧ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ନିଦ୍ରାହୀନତା ହେଉଛି? କେବଳ ନିଦର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ନା ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନିଦ୍ରାହୀନତାର? ଏନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ନିଦ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ, ଆଚ୍ଛା ଅସ୍ଥିର ଲାଗିବ, ନିଦୁଆ ଲାଗିବ, କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବନି କି କନସେନଟ୍ରେସନ ରହିବନି କି ଆଟେନସନ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ କିଛି ଅଫିସ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ସବୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ନହେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାହିଁକି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ପାନୀୟ ଦରକାର, ନିଦ୍ରା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ନିଦ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଦ୍ର ବି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସାର୍। ନିଦ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ହିଁ ମାଡ଼ି ବସିବ ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ନିଦ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଦ ନହେବା ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ପ୍ରଭାବ କି ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହେଉନି ସେଇ ଭୟ ତ ରହୁଥିବ, ଛାନିଆ ରହୁଥିବ, ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ, ମେଣ୍ଟାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ହେଉଛି ବି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିକି କାଉନସିଲିଂ ହେଉ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଦରକାର ତେଣୁ ସେଇଟା
ଦେବା ଦରକାର, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ରବି ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଥରେ ପୁରୀ ପୁରୀ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କିଛି କ୍ଲିୟର ହଉନି, ଶୁଣା ଯାଉନି। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଡିଓରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ କିଛି ବି ଶୁଣିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୟସ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? 55। ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କି ତାଙ୍କର, ଡାଇବେଟିସ୍ କି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର? ରୋଗ କଣ ଅଛି କି ମାନସିକ ରୋଗ କଣ ଅଛି କି ମାନସିକ ଚାପ କଣ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ନିଦ ହଉନି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସେସ୍ କଲା ପରେ ତେଣୁ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେଇଟା ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ମାନସିକ ରୋଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିସିଆନ୍ ପାଖକୁ ରେଫର କରିବେ କି କାଉନସେଲର ପାଖକୁ ରେଫର କରିବେ। ସାର୍, ମହିଳା କି ପୁରୁଷ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦେଖାଯାଏ କି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦେଖାଯାଏ? ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର କାମକୁ ନେଇକି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଦ ନ ହେବାଟା? ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ସାର୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାଟା ହିଁ ନିହାତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ନିଦରା ହିଁ ଠିକ୍ସେ ଆସିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁତକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ହଉ, ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ହଉ, ବ୍ରେନ୍କୁ ହଉ, ଜଏଣ୍ଟକୁ ସବୁ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼େ। ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଲ ରହେ, ମନ ଭଲ ରହେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ଆପଣ ଏପଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାପି ରହିଲେ, ସେପଟେ ଫିଜିକାଲି କାମ ଇଏ କରି ଫିଜିକାଲ କାମ ଫିଜିକାଲି ହାପି ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ବହୁତ ଭଲ ନିଦ ହେବ। ସାର୍, ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ନିଦ ଠିକ୍ସେ ହେଇଯିବ? ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ନିଦ ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମନ ଖୁସି ରହେ, ନିଦ ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦରକାର। ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 10 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ, 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ହଉ କି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲିଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ମନ ଖୁସି ରହେ, ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ଆପଣ ନିଦ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବା କି? ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ନିଦ୍ରାହୀନତା ଯଦି ହେଉନି ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବା କି? ବେସିକ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ବେସିକ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହାଇଜିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍। ଆଜ୍ଞା, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରରେ ରହିବେ, ହାଲକା ଖାଇବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ, କେଫିନ୍ ନିକୋଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନେବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଦ ହେବ ଠିକ୍। ସାର୍, ଏବେ ସମୟ ତ ସରିଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଥିଲେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ସମୟ ସରିଛି, ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।